खुशी रावत ब्लॉग्स। आज का ब्लॉग होने वाला है थोड़ा बहुत जागरण की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि कल मेरे नानी औरों के घर जागरण है, जो मेरे घर से सिर्फ दो घर दूर है। वो मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं उसका ब्लॉग बनाऊंगी। अभी मैंने कुछ ऑर्डर करे थे, फर्स्ट टाइम मतलब मैंने ग्लैमअप तो क्रीम थी एक जो बहुत सालों पहले चलती थी रेड कलर की, ये माय ग्लैम से मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर करे थे। और मैंने क्या चलाकी करी कि 1 रुपी के थे ये, ठीक है, 1 रुपी की 3 लिपस्टिक्स थी समथिंग। तो मैंने क्या किया, 1 रुपीज में 196 के आसपास मेरे डिलीवरी चार्जेस लग रहे थे, तो मैंने सोचा फ्री में क्यों दूं। मैंने 200 रुपए की कुछ चीज़ ही ले ली, 200 रुपीज की, 200 रुपीज की कोई चीज़ ली, डिलीवरी चार्जेस उसी में इंक्लूड हो गए, वो मेरे पास एक न्यू चीज़ भी आ गई और 1 रुपी की जो लिपस्टिक्स टाइप थी वो भी आ गया। दो बार मैंने ऐसे किया, तो दो पार्सल में मैंने ऑर्डर करा है। पहला मेरा पार्सल मुझे रिसीव हुआ था एक बार ऐसे, तो इसमें मैंने मंगवाया था ये नेल पेंट रिमूवर, क्योंकि मुझे अच्छा नेल पेंट रिमूवर चाहिए था। तो ये माय ग्लैम का नेल पेंट रिमूवर है, दिस वन। और मैं फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ तो चीज़ें थोड़ी बहुत उल्टी दिख सकती हैं। एक मैंने ये कॉम्पैक्ट ऑर्डर करा है, ये पहले मैं कॉम्पैक्ट यूज़ करती थी उसका लैक्मे का, तो अब मैंने ये माय ग्लैम का यूज़ करा है। वैसे मैं बहुत रेयर यूज़ करती हूँ, बट मैं इसको इसलिए यूज़ करती हूँ कि क्या होता है, जैसे मान लो मैंने लाइनर लगाया, काजल लगाया, तो ब्रश से इसको लेके यहाँ यहाँ पे डैप डैप कर देती हूँ, उससे क्या होता है कि वो फैलता नहीं है। दूसरी चीज़ अपनी लिपस्टिक पे भी यूज़ करती हूँ। जब मैं कल तैयार होंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये माय ग्लैम का मैंने ऑर्डर करा है कॉम्पैक्ट पाउडर, ये मुझे ना बहुत ज्यादा सुंदर लगा, वेरी ब्यूटीफुल। सी कितनी शाइनी इसकी पैकेजिंग है, और ये इसकी ऐसी लुक है। और ओ यहाँ पर मेरा कजिन आ चुका है जागरण के लिए। लड्डू अभी तो गया चाची की, कर देना उसको, फोन कर दे लेने आ जाएगा। ये है माय ग्लैम का, मैं दोबारा से दिखा रही हूँ, मेरा कजन आ गया था, बहुत सुंदर है इसका ना, आती हूँ थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, एक ही में सी कितना अच्छे से आता है और ये ऐसे करके ब्लेंड भी हो जाता है। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि लिपस्टिक सिर्फ मैं इसको यूज करती हूँ लिपस्टिक के लिए, और आईलाइनर या काजल जो भी लगाती हूँ उसके लिए बस। फेस पे मैं अपनी कुछ नहीं लगाती, कोई क्रीम नहीं लगाती, सिर्फ सर्दियों में बोरो प्लस लगाती हूँ। और सी मैंने एक ये ऑर्डर करा था, आजकल ना ये वाली नेल पेंट्स चल रही है कि कलरफुल फिंगर्स पे नियॉन टाइप के कलर्स चल रहे हैं, तो मैंने ये वाला ऑर्डर करा है माय ग्लैम से। सी मेरी ये तीन चीजें काफी अच्छा ये है, और ये नेल पेंट रिमूवर, और ये वाली नेल पेंट मुझे जस्ट रिसीव हुई है 216 की, 216 में मुझे ये 500 का ये भी रिसीव हुआ है, ये भी रिसीव हुआ है। ये भी मैंने माय ग्लैम से ऑर्डर करा है, और सी ये मेरे को पड़ा है 200 रुपए का, सिर्फ 200 रुपीज में मुझे रिसीव हुआ है। पहले तो बहुत ही ज्यादा सुंदर आईलाइनर, ये सी मेरी लिपस्टिक ही गिर गई, हर चीज गिरती है मेरे से। सी ये है, जैसे मैं यहाँ दिखाती हूँ, कितना सुंदर कलर है। चलो गाइस, ये 3 लिपस्टिक्स मैंने ऑर्डर करी थी, के शेड मम्मी के काम आएगा, जो कि बहुत ज्यादा डार्क ऐसे करके दिखाती है, बहुत ज्यादा अच्छी, पता है ये फैल भी नहीं रही है, मैंने बहुत टाइम से ऐसी ट्रायल किया था, कितनी सही है ये वाली, देखो। दूसरी लिपस्टिक का है, बहुत ज्यादा अच्छी है ये, और ये मेरा शेड है जो मैं लगाती हूँ। वैसे मैं ये मम्मा अर्थ का शेड लगाती हूँ, सिनेमन न्यूड वाला, इसमें भी मुझे सिमिलर मिल चुका है, ये वाला बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल भी है, रीजनेबल मतलब रीजनेबल भी है, और इनको परचेज हम इजली कर सकते हैं। अब मैं फटाफट से दिखाती हूँ, मैंने ना पर्पल ब्रांड से ही, पर्पल ऐप है उससे ऑर्डर करी हूँ बहुत सारा से, तो मैंने अपनी मम्मी के लिए एक तो ये ऑर्डर किया था प्राइमर NYB का, बहुत सही प्राइमर है ये, रीजनेबल प्राइमर है NYB का। और मैंने अपनी मम्मी के लिए ऑर्डर की थी ये वाली नेल पेंट, 2 नेल पेंट्स करी थी NYB की, जिसमें से एक नेल पेंट ये रही, और मैंने एक ही ऑर्डर करा था लैक्मे का 925cc क्रीम। मेरे सूट सिलने के लिए मैंने दिया हुआ है, जो अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ है, सूट सिला ही नहीं है, पता नहीं सिला भी नहीं सिला, तो सूट अभी मैं आंटी से लेके आऊंगी जो टेलर आंटी है, और फिर मैं आपको
बताऊंगी भाई क्या अपडेट है, मुझे भी नहीं पता इस बारे में। अब मैं आपसे मिलती थोड़ी देर के बाद। मैं और लाड़ो जा रहे हैं टेलर आंटी के पास, लेट्स सी उन्होंने सूट सिला या नहीं सिला। मैं वहाँ का व्लॉग नहीं बनाऊंगी, आपको आके बताऊंगी जो भी होगा। ये ड्रम साफ कर रहे हैं तेरी दिखाऊंगी मैं, देखो ये ड्रम साफ कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे मामा भी कर रहे हैं। और ये देखो यहाँ के बाहर की डेकोरेशन पूरी। और ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक सीन हो गया हमारा, अभी तक सूट नहीं सिला और जो लाड़ो ने सूट के लिए लेस दी थी वो तो यहाँ पर पड़ी हुई है, तो इसकी वो लेस भी नहीं लगी है। इंटरलॉक नहीं करा था उसने, बोला है कि 10 बजे आना इंटरलॉक। 10 बजे बुलाया है लाड़ो को, नंबर ले लेती। और हम अरे फोन नंबर दोबारा नहीं लिया, वो कह रही मम्मी के पास है। मेरे पास नहीं ना, मेरा नंबर है उसके पास, मम्मी के पास, हमारे पास भी नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ खाने के लिए लेके आए। लाए हैं ग्रेवी पनीर मोमोज। गाइस मेरा अब सूट सिल के आ चुका है रात के 10:30 बजे, लेकिन थोड़ा सा भी इनकम्प्लीट है, आंटी इसको पूरा करेंगी इसमें लेस लगा के। तो ये वाला सूट है, ये मैं पहनूंगी चेंज करने के बाद बाद में, उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं कौन सा पहनूँ। और इसकी चुन्नी बहुत सुंदर है सूट की, सी ऐसे वाली तो चुन्नी है इसकी। मेरे पास यही वाला शरारा है जो मैंने मानसी की सगाई में पहना था, ये भी बस मैंने एक ही बार पहना है और ये आज़ाटी रखा हुआ है। ये मेरी सूट की चुन्नी है जो मैंने सूट वेयर करा है, ये मैं बाद में वेयर करूँगी। और एक मेरे पास ये शरारा है जो मैंने पहना ही नहीं है, येलो कलर का, इसका ये पूरा शरारा है। और एक ये है, ये मैंने 2 बार पहन लिया पिंक वाला, इसको मैंने 2 बार वेयर कर लिया। अब मैं मम्मी से पूछूँगी कि मैं ये पहनूँ या ये वाला पहनूँ। नाउ लेट्स सी, ये भी पहन सकती हूँ मैं ये वाला, क्योंकि ये अच्छा लगता है और ये मैंने थोड़ी देर के लिए पहना था बस एंगेजमेंट में, 2 घंटे के लिए बस, देखते हैं। तभी आ चुका है जागरण में पहनने के लिए, ये वैसे थोड़ा ग्रीन कलर में है और यहाँ पे ब्लू कलर का दिख रहा है, मोरी कलर। हाँ मोरी कलर। और एक ही अपने लिए टी शर्ट भी लाया और लाड़ो मेरा ये वाला सूट पहन के ट्राई कर रही है। चुभने वाला नहीं है। हाँ सही है, हाँ सॉफ्ट में है, ऐसे आजकल चल रहे हैं बॉयज के। पापा के लिए भी इसी में लेना, पापा के लिए लाना थोड़ा ग्रीन सा। हाँ लेंगे, हल्दी का तो पापा का हल्का सा लेंगे। सो गाइस अभी ये सब तो चलता रहेगा, अभी के लिए इस व्लॉग का एंड करते हैं। कल कंटिन्यू कर पाई तो कल कंटिन्यू करूंगी, अदरवाइज न्यू व्लॉग आएगा इसके लिए। सो गाइज इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू खुशी रावत व्लॉग्स। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ लाड़ो का भी सूट, लाड़ो तेरा सूट नहीं आया क्या सिल के? तू अपना सूट नहीं लाई, अपना सूट नहीं लाई? क्या कह रही है? अपना सूट नहीं लाई? अरे वो भी कल देगी, इसका सूट भी कल देगी, मेरा भी लेके चली जाइयो। मेरी बस पैंट में थोड़ी सी लेस लगानी है आंटी ने, बाकी फिर मेरा ये सूट कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इन शरारा में से डिसाइड करती हूँ मैं। और वैसे मैं लाई थी एक साड़ी जाकर पहनने के लिए, बट अब वो मैं अपनी बहन की शादी के टाइम पे पहनूंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। सो गाइस वेट फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग।